कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बन गए हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ आटा चक्की के मालिक। भारत श्रेष्ठ आटा चक्की माइक्रोफाइन खरीदने के लिए आपको बधाई हो। आप इस बेहतरीन माइक्रोफाइन आटा चक्की में लगभग सभी अनाज और मसालों को अपनी सुविधा के अनुसार पीस सकते हैं। यह डेमो वीडियो सभी माइक्रोफाइन आटा चक्की सीरीज के मॉडल्स पर लागू है। आपकी इस माइक्रोफाइन आटा चक्की के उपयोग एवं तकेदारी के विषय में हम आपको आवश्यक हर जानकारी देंगे। आइए हम आपको माइक्रोफाइन आटा चक्की के सभी विभागों से परिचित कराते हैं। यह है सामने का दरवाजा और ऊपर का दरवाजा। यह है हॉपर जहां आप अनाज डालते हैं। यह ऑटो स्विच आगे का दरवाजा बंद होने के बाद ही काम करेगी, आपको इसे संचालित करने की जरूरत नहीं है। यह चैम्बर है जहां अनाज पीसेंगे। पूरी तरह से सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए चैम्बर के फिक्स लॉक को ठीक तरह से दबाकर बंद करना आवश्यक है। अनाज के अनुसार सही जाली चुनने में आपकी मदद के लिए एक निर्देश मैनुअल भी प्रदान किया गया है। जाली को चैम्बर के अंदर रखना है। रोटर अनाज को पीसता है। फिल्टर जो कंटेनर से जुड़ा हुआ है वह इसके ऊपर रखा गया है। इस फिल्टर में एक अतिरिक्त हिस्सा जुड़ा हुआ भी होता है जो मोटे आटे के अतिरिक्त फैलने को रोकने में मदद करता है। पीसने की प्रक्रिया के बाद आटा फिल्टर से गुजरता है, इसलिए कंटेनर को फिल्टर के नीचे रखा जाता है। इसके अलावा आटा चक्की की आसान मूवमेंट के लिए नीचे चार पहिए भी लगे हुए हैं। आइए विस्तार से देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही आप प्रक्रिया को जान लेंगे आपको इसे संचालित करना बिल्कुल आसान लगेगा। पहले प्रदान किए गए निर्देश मैनुअल देख कर सही जाली चुनेंगे। इसके बाद आप अनाज को हॉपर में डालेंगे। ध्यान रखें कि आप हॉपर को उसके ब्रिम यानी कि किनारे तक न भरें। फिर ऊपर के दरवाजे को बंद कर दें। आगे के दरवाजे को खुला रहने दें और डिवाइस को प्लग इन करके इसे स्विच ऑन करें। जब तक सामने का दरवाजा खुला होगा आटा चक्की शुरू नहीं होगी। इस आटा चक्की की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह एक ऑटो स्विच के साथ आती है जो दरवाजा बंद होने पर ही शुरू होती है। जब आप शुरू करने के लिए तैयार हों, तो आगे का दरवाजा बंद कर दें। आपकी आटा चक्की अपने आप काम करेगी और काम पूरा होने पर अपने आप स्विच ऑफ भी हो जाएगी। इसमें पीसने की प्रक्रिया समाप्त होने पर एक बीप ध्वनि सुनाई देगी। पूरा होने के बाद डिवाइस को 2 मिनट तक चालू रखना चाहिए क्योंकि बिल्ट इन डबल ऑटो क्लीनिंग सिस्टम डिवाइस को साफ करेगा। यह पूरा नहीं होने तक इसे इस्तेमाल न करें। फिर स्विच ऑफ करें और डिवाइस को अनप्लग करें। फिल्टर को अनलॉक करें और कंटेनर को हटा दें। बस ऐसे ही आपका आटा उपयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रोफाइन डोमेस्टिक आटा चक्की एक वैक्यूम क्लीनिंग वेरिएंट के साथ भी आता है। चलो देखते हैं कि वैक्यूम क्लीनिंग कैसे काम करती है। एक बार जब आप पिसाई कर चुके हैं तो बाएं ओर के निचले भाग में इनलेट पाइप को लगाए, फिर आउटलेट पाइप को दिखाए गए अनुसार पीछे के निचले भाग में लगाएं। आउटलेट एक जुड़े हुए अवशेष बैग के साथ आता है। चैम्बर के ऊपरी भाग के बाएं तरफ दिए गए इस बटन को स्विच ऑन करने पर वैक्यूम शुरू होता है। फिर इनलेट वैक्यूम के साथ चैम्बर की सफाई शुरू करें। आप ब्रश से जाली को भी साफ कर सकते हैं। इस आटा चक्की के मेंटेनेंस और सफाई की बात ही अद्भुत है। इसके उपयोग के बाद इसे साफ करना बेहद आसान है। और हाँ, यह डिवाइस डबल ऑटो क्लीनिंग सिस्टम द्वारा निर्मित है तो यह 2 बार सेल्फ क्लीन होगा। हालांकि आप चाहे तो दिए गए ब्रश से चैम्बर और जालियों को खुद भी साफ कर सकते हैं। आप एक नम कपड़े से भी सफाई कर सकते हैं। आप कंटेनर को बाहर निकालकर पानी से धो सकते हैं। डिवाइस का उपयोग करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक वोल्टेज कम है तो डिवाइस स्विच ऑन न करें। सुनिश्चित करें कि जाली को हमेशा सुरक्षित रूप से रखा गया है। फिल्टर और जालियों को पानी से न धोएं। इसके अलावा कुछ अनिवार्य जानकारी पर भी ध्यान दें। यदि डिवाइस बीच में ही काम करना बंद कर देता है तो उसको स्विच ऑफ करें, चैम्बर से अनाज निकालें, हॉपर में अनाज को फिर से डालें और फिर से शुरू करें। कभी अगर डिवाइस के काम करने के संबंध में कोई शिकायत है तो हमारी सेवा केंद्र को सूचित करें और हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। ईमेल, हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट की सहायता से भी शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा
यह माइक्रोफाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी माइक्रोफाइन आटा चक्की का उपयोग करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माइक्रोफाइन आटा चक्की की ओर से यह शुभेच्छा है कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहे।